नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट के कुछ ड्रॉबैक्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप रियर सीट में बीच में बैठने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस फ्लोर पैनल के बम्प की वजह से परेशान हो सकते हैं, और लॉन्ग ड्राइव पे ये बम्प बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। ह्यूंडई ग्रैंड i10 में भी रियर एसी वेंट है और स्विफ्ट में आपको रियर एसी वेंट नहीं मिलता। गाड़ी में कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो फिफ्थ व्हील प्रोवाइड किया गया है वो रेगुलर टायर के साइज से छोटा है, और जो डोर पे स्विच दिए गए हैं वो भी पुरानी स्विफ्ट वाले ही हैं, नए स्विफ्ट के लिए नए स्विच नहीं बनाए गए। गाड़ी का डोर बंद करने के लिए आपको थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हल्का पुश करेंगे तो गाड़ी का डोर पूरी तरह बंद नहीं होगा, आपको उसे खोल के फिर से बंद करना पड़ेगा। गाड़ी के वेट की बात करी जाए तो पेट्रोल गाड़ी वे करती है 860 किलोग्राम और डीजल गाड़ी वेट करती है 970 किलोग्राम, और कंपनी क्लेम करती है कि पेट्रोल गाड़ी 22 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है और डीजल गाड़ी 28 किलोमीटर पर लीटर की। और गाड़ी के प्राइस की बात करी जाए तो पेट्रोल वेरिएंट स्टार्ट होता है 4.99 लाख से और डीजल वेरिएंट स्टार्ट होता है 5.99 लाख से। मैंने इसके एक पॉजिटिव पॉइंट्स वाली वीडियो भी बनाई है, और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों साथ शेयर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो दोबारा सोचेगा मत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की।